अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चाइनीज समोसे की रेसिपी और स्प्रिंग रोल की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ हाफ के जी मैं ले ली थी बोनलेस चिकन और इसे अच्छा रात भर मतलब मैं ड्रेन करके रखी थी वॉश करके और अच्छा पानी पूरा निथार ली ना तब मैं ये मैरिनेट कर रही थी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ले ली थी 2 टेबल स्पून और हरी मिर्च का पेस्ट और नमक, दैट्स इट। और इसे मैरिनेट नहीं करी थी, बस उसी वक्त मैं बना ली थी। और यहाँ एक पैन में ले ली थी, ऑयल शामिल कर दी थी 1 से 2 स्पून ले सकते हैं, 1 से 2 स्पून। और बस उसके बाद मैं ये चिकन शामिल कर दी थी और इसे अच्छा ना मतलब टेंडर होने तक ये पकाएंगे पूरा गलने तक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद मैं लिड कवर कर दी थी और हटा के देखी तो उतना ज़्यादा पानी मतलब रिलीज़ नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हाफ कप से भी थोड़ा सा कम पानी मैं इसमें शामिल कर दी थी। और जब तक यहाँ जो भी वेजेस है ना वो मैं कट कर ली थी, जैसे कि ये कैरेट, शिमला मिर्च, कैबेज वगैरह, तो 2 मैं कैरेट ली थी और ये मतलब पूरा 1 बोल सकते, क्योंकि जो बड़ा वाला दिख रहा ना शिमला मिर्च तो उसका भी मैं हाफ कट करी थी और हाफ पहले से ही था तो वो शिमला मिर्च मैं कट कर ली थी, क्योंकि दोनों में ही डालना था, स्प्रिंग रोल में भी और चिकन चाइनीज समोसे में भी। और बिल्कुल इजी और न्यू रेसिपी है क्योंकि न्यू मेथड से मैं बताऊंगी। तो यहाँ कैबेज मैं कट कर ली थी, अच्छा सा वॉश कर ली थी, पूरा पानी वगैरह ड्रेन हो गया था। और यहाँ बस चिकन भी उसका भी पानी पूरा मतलब ड्राई हो गया था, तो बस दैट्स इट। और इसे मैं अच्छा सा मतलब कूल ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं श्रेड कर लूंगी, हाथों की मदद से ही कर लेंगे मतलब उसकी तो जरूरत नहीं है। और हाफ के जी ना तो 1 पाव चिकन मैं समोसे के लिए रेडी करूंगी और 1 पाव चाइनीज रोल के लिए। ओके, तो यहाँ बिल्कुल 1 टीस्पून ले लेंगे ऑयल और उसमें प्याज शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर ग्रीन चिल्ली जो पहले मैं पेस्ट बना के रखी थी ना तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला बिल्कुल 1/2 टीस्पून और नमक मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक उसमें भी शामिल करे थे, और सोया सॉस और ये रेड चिली सॉस। और बिल्कुल इंडो चाइनीज समोसा बोल सकते हैं क्योंकि अपन इंडियन स्पाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं ना, सोया सॉस और ये सब तो चाइनीज़ हो गए। और ये ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़े सा मतलब अच्छा सा मसाला भुनेंगे और बिल्कुल मतलब अच्छा सा ऑयल रिलीज़ हो जाएगा ना, फिर ये शिमला मिर्च और कैरेट जो रहेगा ना वो शामिल कर देंगे। आप इसमें कैबेज भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने ऐड करी। और फिर चिकन जो श्रेड किया हुआ रहेगा ना चिकन वो शामिल कर देंगे और हरा धनिया, ओ माय गॉड बहुत ज़बरदस्त लगता है। हरा प्याज ना शामिल करके हरा धनिया शामिल करें। अच्छा यहाँ बना लेते हैं चाइनीज़ रोल। तो यहाँ एक पैन ले ली थी, तेल शामिल करी और उसके बाद फिर कैबेज, शिमला मिर्च और इसमें ना शिमला मिर्च मैं थोड़ा लंबे में कट करी थी और उसमें थोड़ा सा स्क्वायर शेप में मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक, और कैरेट शामिल कर दी और वो चिकन, ठीक है हाफ चिकन मैं इसमें शामिल करी थी, ज़बरदस्त। और यहाँ जी बस काली मिर्च ले लेंगे, सिर्फ काली मिर्च, ठीक है मसाले में, और सोया सॉस ऐड कर देंगे और ये रेड चिली सॉस, विनेगर भी ऐड करें इसमें, बहुत मज़े का बना था। और ये है विनेगर, हाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और टोमेटो केचप, और ये तो बिल्कुल मतलब गेम चेंजर बोल सकते हैं। और नमक शामिल कर देंगे, अगर आप लोगों को लगेगा ना कि बहुत ज़्यादा स्पाइस हो गया मतलब नमक ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ हरा प्याज, इसमें हरा प्याज शामिल करी थी लेकिन दोनों का टेस्ट ना बहुत ही डिफरेंट था, तो क्योंकि हरा प्याज और हरे धनिया का भी एक अलग अलग टेस्ट आता है मसाले वगैरह का भी। तो अच्छा यहाँ जैत ये लिखा था यानी कि ऑयल वाला ये समोसा पट्टी है, तो बस यहाँ पर मैं जो फिलिंग पहले तो दोनों की फिलिंग रेडी कर ली थी और फिर मैं समोसा बनाने लगी थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ये फोल्ड वगैरह करना है, बहुत इजी रहता है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो 2 से 3 बार करेंगे ना तो इजीली आप लोगों को आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ऐसा ये फिल कर देंगे और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मतलब अंदर तक ऐसा फिल करेंगे, फिर नहीं तो ना किनारे पर जाएगा नहीं। ये देखिए यहाँ बहुत मज़े का बन गया था और मैं फ्राई करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें ये 1 समोसा रेडी हो गया और बस उसके साथ साथ ना जितने भी समोसे रहेंगे ना वो सब अपन रेडी कर लेंगे। अच्छा यहाँ फिर मैं ना थोड़ी देर उसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पे ताकि मैं बैठ के आराम से फिर ये फिल करूँ और समोसा जो स्प्रिंग रोल वगैरह है ना तो वो मैं अच्छे से फिल करूँ। और खैर बच्चे भी थे मेरे साथ साथ, तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मैं ये फिल कर रही हूँ समोसा। तो थोड़ा सा तो मैं बना ली थी, फिर मैं सोची कि एक वीडियो ना और बना लेती हूँ। यहाँ देखें ये ज़बरदस्त, 2 से 3 बार बनाएंगे ना तो मज़े का मतलब आपका समोसा ये रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल 1 पाव चिकन में ना मेरा 34 ऐसा समोसा बन गया था। और क्योंकि अपन ये शामिल कर रहे थे ना
सब्जी वगैरह, तो आप अपने मतलब अपने हिसाब से आप चिकन ज़्यादा रख सकते हैं और सब्जियां जो है ना वो कम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल टोटली मतलब इट्स योर चॉइस है। तो खैर यहाँ पे जो मुतबक ऐसा करके था ना, तो ये शीट था स्प्रिंग रोल का, तो वो मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ देख लेते हैं कि इसकी मतलब इसकी फोल्ड मतलब कैसे करेंगे फोल्डिंग। तो खैर ये देखें, ये है स्प्रिंग रोल, बहुत मज़े का बना था और बहुत जूसी बना था। और ये बन गया था मेरा 24 ऐसा बन गया था। इतना चिकन और जो भी कैबेज वगैरह मतलब ये सब्ज़ी वगैरह मैं शामिल करी ना, तो उसके साथ मतलब 24 ऐसा बन गया था और बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। और टेस्ट में तो मतलब बहुत जूसी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं फ्राई कर रही थी ना और बच्चे जब फिलिंग में कर रही थी ना, तो यहाँ देख सकते हैं ये हुदा का हाथ है, हुदा इफ्रा सब ऐसे बैठे थे, मम्मी थोड़ा सा हम लोग ट्राई कर लें क्या, मैंने चलो मैं फ्राई करूँगी ना, तब आप मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मतलब कैसा टेस्ट वगैरह आता है। खैर यहाँ बार बार इन लोग फिलिंग के लिए ही रो रहे थे। ओके तो यहाँ बस मेरा ये रोल रेडी हो गया था और फिर मैं सोची कि यहाँ फ्राई कर लेते हैं, तो बस यहाँ फ्राई कर रहे थे और बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ना अच्छा सा फ्राई करेंगे। खैर ये मैं स्पीड बढ़ा के दिखाती हूँ, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि बस जल्दी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है, एक से दो मिनट बस लगा फ्राई करने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस क्योंकि ऑलरेडी ये शीट ना पकी हुई रहती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ भी मज़े का अपना रेडी हो गया समोसा और चिकन चाइनीज़ रोल बोल सकते हैं, तो ये भी रेडी हो गया था। और उसके बाद हम लोग मतलब ना थोड़े एक हफ्ते पहले मैं गई थी जब लुलू नेस्टो, तो उसकी भी मतलब वीडियो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि सऊदी में मतलब रमदान की रौनकें कैसी रहती हैं, क्योंकि अरब ममालिक में ना बहुत ज़्यादा मतलब तरजीह देते हैं रमज़ान और ये ईद वग़ैरह को, मीन्स मतलब डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा, मतलब बकाला बोलो, शॉपिंग मॉल्स बोलो, बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट किए रहते हैं, अपने हाउस घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किए रहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ना रहेगा रमदान डेकोरेशन, और इसके हवाले से रमदान प्रिपरेशन न्यू रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यूली है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आप लोगों को रमज़ान की ना न्यू रेसिपीज़ फटाफट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग ऑल पे क्लिक करें जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो ताकि तमाम नोटिफिकेशंस मिले। और यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा मैं मतलब ना थंबनेल के लिए ऐसा फोटो सेशन कर रही थी ये समोसे का, और उसके बाद मैं फ्रीज भी करी थी। तो देख लेते हैं लुलू नेस्टो में कैसी मतलब रमज़ान की रौनकें थी सऊदी में, बहुत अच्छा मतलब मज़ा आ जाता है, कुछ भी बोला, अगर कभी आप लोग सऊदी आने का ऐसा आप लोगों का मन करे ना, तो रमज़ान में ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ मेरा समोसे का फोटो सेशन हो गया था और बहुत ही अच्छे से मतलब ये हो गया था, और यहाँ रेडी हो गया था ये स्प्रिंग रोल, तो उसका भी थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह ली, कैप्चर करी। और एक हफ्ते पहले ना हम लोग लुलू नेस्टो गए थे और दमाम भी गए थे, तो दमाम की तो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और यहाँ आ गए थे हम लोग नेस्टो। ये है कुछ ऐसा नीचे को डेकोरेशन, डेकोरेट किए रहते सऊदी अरेबिया में, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। अभी आ गए हम लोग लुलू, अब लुलू का डेकोरेशन देखेंगे, ये बैक साइड का है ना, बोलिए यश इनको डॉक्टर मना किया बोलने के लिए, ये आप अपना मिरर खोलिए बाबा, ये हुई ना कोई बात, क्या मस्त जबरदस्त हवा चल रही बाबा, मजा आ जाता वैसे हाँ इधर अरब ममालिक में, देखते हैं अंदर कैसे। वाओ ये है बिल्कुल मेन गेट, अरे इधर से, वाओ झकास झकास लग रही है इधर अंदर, शायद अभी डेकोरेट करने गए ये लुलू, कुछ भी डेकोरेट नहीं किया। हाँ ये है बड़ा वाला, ये कालीन लेना था हम लोगों को, अच्छा खूबसूरत लग रहा, मस्त है, बहुत दिनों से मैं सोचती थी कालीन लेना था अच्छा सा। हाँ फोल्ड करिए, अच्छा ये वाला है हम लोगों के पास ऑलरेडी, तो इस बार सोच मैं फुल मैरून और गोल्ड मिलूँगा, सही है मस्त है, यही फाइनल कर दीजिए।
और जहाँ मैं दोनों को ही ये जिपलॉक बैग में रख दी थी, समोसा और जो चाइनीज़ रोल है ना, चिकन रोल, तो वो दोनों को ही जिपलॉक बैग में और फिर मैं फ्रीज कर दूंगी। और ये है जी रमदान प्रिपरेशन व्लॉग और मोस्ट डिमांडेड आइटम्स ड्यूरिंग इफ्तार बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है दोनों की, समोसे की भी और स्प्रिंग रोल की। बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें मुझे कमेंट बॉक्स में। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ मैं आप लोगों का वेलकम करूंगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़र आई डी आंसर इफ्रा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।